दोस्तों, पावर एक ऐसी चीज़ है जो हम सब चाहते हैं। हालांकि हम पब्लिकली ये कहते नहीं, लेकिन हर कोई चाहता है कि लोग उसे देखें, वो टीम का लीडर हो और वो बेस्ट नज़र आए। लेकिन पावरफुल होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई पोजीशन चाहिए होगी या आपको फिजिकली स्ट्रांग बनना होगा। असल में पावर का मतलब एक ऐसी एबिलिटी है जिससे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें, आप उनके डिसीजंस बदल सकें। और आज मैं आपको रॉबर्ट ग्रीन की बुक द 48 लॉज ऑफ पावर से पावर के ऐसे चार लॉज बताऊंगा जो आपके आसपास के लोग आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं आप पर पावर हासिल करने के लिए, लेकिन आप ध्यान नहीं देते। आप भी ये लॉज यूज करके पावरफुल बन सकते हो। तो दोस्तों, लेट्स गेट पावरफुल। सपोज आप इलेक्शन लड़ते हो, आपको अपने देश की इकोनॉमी की बहुत फिक्र है, बिकॉज अगर इकोनॉमी ठीक नहीं है तो ना तो बिजनेस अच्छे चलते हैं और ना ही लोगों को जॉब्स मिलती हैं। अब चूंकि आप एक बहुत समझदार और ईमानदार इंसान हो, तो आप पब्लिक को बताते हो कि देखो भैया, मैं हवा में कोई बात नहीं करूंगा, अगर आपको बिजनेस और जॉब्स चाहिए तो हमें इकोनॉमी को बेटर बनाना होगा, और इकोनॉमी को अगर बेटर बनाना है तो हमें सोसाइटी में और ज़्यादा वैल्यूज जनरेट करनी होगी, और उसके लिए हम सबको मिलकर ज़्यादा मेहनत करना होगी। सारा दिन फोन में घुसे रहने की जगह हमें अपने काम पर ध्यान देना होगा, और हमें खुद को एजुकेट करने के लिए बुक्स भी पढ़ना होगी, और शॉर्ट टर्म में कोई भी रिजल्ट नज़र नहीं आएगा। करीब 10 साल बाद, जब शायद मेरी जगह कोई और आ चुका हो, तब हमें रिजल्ट नज़र आना शुरू होंगे। नाउ, आप जिस इंसान के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हो, वो आता है और पब्लिक से कहता है कि अगर आप मुझे जिताओगे तो सबको 10-10 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब गैस करो कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा। मैं बताता हूँ, आपको शायद कोई वोट दे और ये दूसरा नेता वन साइडेड इलेक्शन जीत जाएगा। और पता है इसके बाद जनरली क्या होता है? इसके बाद लोग कहते हैं कि नेता झूठे होते हैं, नेता अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करते। लेकिन लोग कभी भी खुद को ब्लेम नहीं करते, खुद की इग्नोरेंस को ब्लेम नहीं करते। जब उस नेता ने कहा कि वो 10-10 लाख रुपए देगा, तो क्या पब्लिक ने ये सोचा कि 10 लाख रुपए आएंगे कहाँ से? ऐसा क्या हो जाएगा कि हर इंसान को इतने पैसे मिल जाएंगे? ऑफ कोर्स वो नेता कभी भी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करेगा। कोई भी ईमानदार पॉलिटिशियन ऐसा वादा कभी भी नहीं करेगा, लेकिन ज्यादातर पॉलिटिशियंस तो ऐसे ही होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लोग सपनों पर भरोसा करते हैं, सच पर नहीं, क्योंकि सच कड़वा होता है, सच मुश्किल होता है। यही है पावर का लॉ नंबर 32, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज, यानी अगर आपको पावर चाहिए तो लोगों के सपनों से खेलो। सूरज हमारी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, लेकिन इंसान को सूरज की कोई वैल्यू नहीं होती, खासतौर पर गर्मियों के मौसम में। बल्कि हम दुआ करते हैं कि सूरज की गर्मी थोड़ी कम हो जाए या बादल आ जाएं और सूरज ढक जाए। लेकिन बारिश के सीजन में जब कई कई दिनों तक सूरज नहीं निकलता, तब हम उसे मिस करना शुरू कर देते हैं, और जब कई दिनों बाद सूरज निकलता है तो हमें उसकी वैल्यू पता चल जाती है। ऐसा ही हर चीज के साथ होता है। जो चीज ज्यादा अवेलेबल होती है, लोग उसकी वैल्यू नहीं करते, उसे ग्रांटेड ले लेते हैं। अगर आप भी किसी ग्रुप में या किसी जगह ज्यादा एक्टिव हो, अगर आप किसी के सिंगल व्हाट्सएप मैसेज पर अवेलेबल हो, तो कुछ दिन का ब्रेक ले लो, मत रहो सबके लिए अवेलेबल। आपको पता है कि जब किसी पार्टी में सुपरस्टार्स आते हैं तो आते ही 5 मिनट में वापस भी चले जाते हैं, वो खाना खाने रुकते नहीं है, ये कहते हुए कि उन्हें अगले प्रोग्राम में जाना है, जबकि उनका अगला कोई प्रोग्राम होता ही नहीं है। वो बस ज्यादा अवेलेबल रहकर अपनी वैल्यू गिराना नहीं चाहते। यही है पावर का लॉ नंबर 16, यूज अब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर, यानी अगर आपको अपनी इज्जत और वैल्यू बढ़ाना है तो ज्यादा अवेलेबल मत रहो। 1969 में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंजर के असिस्टेंट विंस्टन लॉर्ड एक रिपोर्ट पर कई दिनों से काम कर रहे थे। जब लॉर्ड ने वो रिपोर्ट किसिंजर को सबमिट की, तो किसिंजर ने यह नोटेशन लिखकर वो रिपोर्ट वापस कर दी कि क्या यही आपकी बेस्ट रिपोर्ट है। लॉर्ड को लगा कि शायद किसिंजर को रिपोर्ट पसंद नहीं आई है। लॉर्ड ने वो रिपोर्ट फिर से लिखी, और इस बार और अच्छे से लिखी, और फिर से किसिंजर को सबमिट कर दी। इस बार भी किसिंजर ने सेम नोटेशन लिखकर रिपोर्ट को वापस कर दिया। लॉर्ड ने एक बार फिर से वो रिपोर्ट रीड्राफ्ट की और फिर से सबमिट कर दी, लेकिन किसिंजर ने फिर से वही सवाल करते हुए रिपोर्ट को वापस कर दिया। झल्लाए हुए लॉर्ड ने जवाब दिया कि हाँ, यही है मेरा बेस्ट, मैं इससे और अच्छी रिपोर्ट नहीं बना सकता। तब किसिंजर ने जवाब दिया, ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब इस बार मैं इसे पढ़ूंगा। हेनरी किसिंजर ने इतना कम बोलकर विंस्टन लॉर्ड से एक परफेक्ट रिपोर्ट तैयार करवा ली थी। उन्होंने लॉर्ड से बहस नहीं की, गलतियां नहीं निकाली, और ना ही कोई सुझाव दिए। जो लोग अपने वर्ड्स पर कंट्रोल नहीं रख पाते, वो खुद पर भी कंट्रोल नहीं रख पाते। ज्यादा बोलने वाले लोग हमेशा कमजोर नजर आते हैं, और उनका मजाक भी ज्यादा उड़ता है। अब देख लो, जो लीडर सबसे ज्यादा बोलता है, वो सबसे ज्यादा गलतियां करता है। कभी वो फिगर्स गलत बता देता है, कभी वो हिस्ट्री गलत बता देता है। इससे लोग उसे सीरियसली लेना बंद कर देते हैं, और वो ट्रॉल भी सबसे ज्यादा होता है। आप जितना ज्यादा बोलोगे, उतनी ज्यादा आप गलतियां करोगे, और उतना ज्यादा आपका मजाक उड़ेगा, और लोग आपको सीरियसली लेना बंद कर देंगे। यही है लॉ नंबर 4,
ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, यानी हमेशा जरूरत से कम बोलो। आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल लीडर्स कितने जी जान से कोशिश करते हैं पावर में आने के लिए। अगर वो ऑलरेडी पावर में हैं, तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो पावर में बने रहें, बल्कि अपना पावर और बढ़ाते रहें। सरकार का सारा काम छोड़कर पूरा के पूरा कैबिनेट पॉलिटिकल रैलीज में लग जाता है, लेकिन वो बोलते हैं कि हमें पावर नहीं चाहिए, हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हम तो सेवक हैं, हम तो चौकीदार हैं, हमें सत्ता का लालच नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। और पब्लिक उन्हें ही वोट देती है, उन्हें ही और पावरफुल बनाते जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा काम करता है, जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ में या किसी इंसान में इंटरेस्ट दिखाओगे, वो आपसे और ज़्यादा दूर होते चले जाती है। लेकिन अगर आप ये शो करते हो कि आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो आपके पास आते जाती है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक ऐसा इंसान है जो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि वो आपको अपनी बातों से इरिटेट करता है, वो हमेशा आपसे ऐसी बात कहता है जिससे आपको बुरा लगे। अब अगर आप उस पर ध्यान देते हो और उसकी बातों का जवाब देते हो, तो वो आपको और ज़्यादा चिढ़ाता है। और यही तो उसको चाहिए होता है कि आप उस पर ध्यान दो और उसकी बातों का बुरा मानो। लेकिन अगर आप उसे इग्नोर करना शुरू कर देते हो, आप उसकी किसी भी बात पर रिएक्ट नहीं करते, बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हो, तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है और वो आपको सताना भी बंद कर देता है। लॉ नंबर 36, डिसडेन थिंग्स यू कैन नॉट हैव, इग्नोरिंग देम इज द बेस्ट रिवेंज। यानी जो चीज आप हासिल नहीं कर सकते, तो ऐसा शो करो कि आपको उसकी जरूरत नहीं है, और इग्नोर करना ही बेस्ट रिवेंज है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे पावर के चार लॉज फ्रॉम द बुक द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, तो इसे लाइक जरूर करो, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा है। और कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको आगे और कौन सी बुक्स पर वीडियो चाहिए। थैंक यू वेरी 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 मच फॉर वॉचिंग।